फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा कि एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। वो इसलिए कि मुझे एक यूजर ने कमेंट्स किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा गौर करें, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखें। ये कमेंट्स किया था मुझे किसी ने, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ से, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो फिर भी आप कमेंट्स करें किसी भी वीडियो के नीचे, या फिर हमें आप यहाँ से फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करके, मतलब फेसबुक में कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो वगैरह चाहिए तो आप मतलब वो मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक के हिसाब से कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे एडसन का एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि एडसन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने क्रोम ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब सर्च करना है, ठीक है, youtube.com। यूट्यूब सर्च करने के बाद आपने यूट्यूब की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके साथ आपने देखना है कि साइन इन है हम या नहीं। अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, वरना आप इधर से अकाउंट बनाने के लिए साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस का पासवर्ड दें, जो आपका ऑलरेडी ईमेल एड्रेस बनाया। अगर नहीं बना तो फिर भी आप एक न्यू ईमेल एड्रेस पहले क्रिएट कर लें, बाद में बनाएं। ये मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और नेक्स्ट, ये एंटर हो गया और ये अभी नेक्स्ट करता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आप देखेंगे YouTube पे आप साइन इन होते हैं या नहीं, और ये देखें आप YouTube पे साइन इन हो चुके हैं। तो YouTube पे साइन इन होने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने नीचे आना है, क्रिएट स्टूडियो में जाना है, क्रिएट स्टूडियो में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये दिखेगा कि आपका चैनल बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना तो आप क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करें और अपने चैनल का नाम लिखें और यहाँ से क्रिएट ए चैनल करें, और आपका ये चैनल क्रिएट हो गया। इस चैनल में भी आपके कोई वीडियोस नहीं है। इसके लिए एक ज़रूरी काम है, वो है कि आप चैनल पे क्लिक करें, चैनल को वेरीफाई करना होता है। यहाँ ऊपर देखें, ये यहाँ पर है वेरीफाई ऑप्शन, वेरीफाई पे क्लिक करें और यहाँ आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपना वो फ़ोन नंबर ऐड करें जो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। ये मैंने नंबर ऐड किया, उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा और मैसेज का कोड है वो, जो वो अभी मैं देखता हूँ और देख के फिर ये कोड है मेरे पास जो आया है, ये कोड मैंने एंटर किया, उसके बाद ये सबमिट किया, हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको करनी है मोनेटाइजेशन ऑन, जिसके लिए इस वीडियो का टॉपिक हमने लिया आज। तो उसके लिए यहाँ मोनेटाइजेशन एनेबल के ऊपर क्लिक करें और ये देखें आपका यहाँ पे आपने क्लिक करना और मोनेटाइजेशन की इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है। ये तीनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, एक तो ऑलरेडी हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट करके एक नेक्स्ट पेज पे जाना है। नीचे कह रहा है साइन अप फॉर एडसन, ठीक है, यहाँ स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये एक न्यू पेज खुल जाएगा जो कि कह रहा है अपने ईमेल एड्रेस को, जो आपका लॉगिन हुआ है ऑलरेडी उसके ऊपर अगर आप करना चाहते हो या नया बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बना लो। तो इस टाइम मेरा ये पहले का बना हुआ था, मतलब तो मैं वही ऐड कर दिए। तो अभी मैं इधर साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ये साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये थोड़ा सर्च हो रहा है। तो ये देखें, ये आ गया जी योर वेबसाइट और यूट्यूब का चैनल जो भी आपने बनाया हो, आपने उस ईमेल एड्रेस के ऊपर, ये वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर जो मैंने अभी पहले बनाया वो खुद ब खुद उसने पिक कर लिए। तो उसके बाद सेंड, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ इंडिया, मतलब ये आप सेलेक्ट कर लेने कंट्री जो भी है, तो आपकी जो भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अपने अपना वो एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ कि जो आपका सेम एड्रेस पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपका पास में हो, और ताकि आपके घर में गूगल एक पिन कोड भेजेगा जो पिन वेरिफिकेशन सिस्टम प्रोसेसर होता है, ठीक है, सॉरी प्रोसेसर कह दिया मैंने, प्रोसेस होता है। तो मतलब वो करने के बाद आपने, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, अपना नंबर ऐड करना है,
और बाद में आपने कुछ दिन वेट करना है। और ये जो नीचे कुछ ऑप्शन हैं येस और नो के, ये आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया सारा, इसलिए मैं इसको सारे को कर रहा हूँ। ये सारी को आप येस कर देंगे और ये मतलब ये ठीक होता है। तो उसके लिए आपने तो उसके बाद यानी कि आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, मतलब वो आप पढ़ के खुद चूज कर सकते हो कि आप आपके लिए बेहतर है या नहीं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी मतलब पॉलिसीज हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो लंबी बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ फिर नेक्स्ट पे स्टार्ट पे करना है, मोनेटाइजेशन यानी कि एनेबल करनी है। तो ये आपने यहाँ पर तीनों पे सेलेक्ट करके सेव करना है। सेव करने के बाद ये देखें आपकी मोनेटाइजेशन परफॉर्मेंस सेट यानी कि मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। YouTube के नई अपडेट की वजह से जब तक आपके पास 10,000 व्यूज़ नहीं होते तब तक आपकी वीडियो के ऊपर एड्स नहीं चलेंगे। तो ये था तरीका अपना मोनेटाइजेशन करने का और गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने का। तो यही आज की वीडियो थी, आज का टॉपिक था। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे कोई कमेंट्स करें, उस कमेंट्स में मैं आपको आपके मतलब कमेंट्स पढ़ के और आपको बता सकूंगा कि उसका क्या हल है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।